नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू winexams.com। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट के ऊपर एएलपी के लिए जो क्विज सेक्शन अपडेट हो रहे हैं उसका डेट 2 का जो सेकंड क्विज है उसका डिस्कशन मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है बायोलॉजी का, पेप्सिन एंजाइम क्या पचाते हैं? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करता है और यह मनुष्यों और अन्य जानवरों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जनरली जो लाल रंग होता है वो रेड ब्लड सेल्स के कारण होता है और रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाओं में मुख्यतः हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पेशल से रहित रक्त का द्रव वाला भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है सीरम। कार्पेशल से रहित द्रव का रक्त का द्रव वाला भाग सीरम कहलाता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में मौजूद मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में मौजूद कुल मांसपेशियों की संख्या 550 है। जो मसल प्रेजेंट होती हैं वो 550 होती हैं। यहाँ तीन टाइप के मसल होते हैं, पहले होते हैं स्मूथ मसल, सेकंड होते हैं कार्डियक मसल और लास्ट होते हैं स्केलेटल मसल। तीन टाइप के मसल्स होते हैं और टोटल 550 होते हैं। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगी की जैविक मृत्यु का मतलब है उसके डैश के ऊतकों की मृत्यु। तो इसका आंसर है ब्रेन। जब मनुष्य के दिमाग या मस्तिष्क के ऊतकों की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जैविक मृत्यु को समझा जाता है। तो सही आंसर ब्रेन है। नेक्स्ट है, एक संयंत्र में जाइलम ऊतक परिवहन करता है। तो इसका आंसर है पानी, वाटर। जाइलम ऊतक पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बना होता है। नेक्स्ट है, तिल चिट्टा का लार्वा कहा जाता है, द लार्वा ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है निम्फ। कॉकरोच के लार्वा को निम्फ बोला जाता है, NYMPH। ये बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या है? तो स्पॉन्ज एक एनिमल है, इट इज एन एनिमल। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आमतौर पर जानवर जगह बदल सकते हैं लेकिन निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा स्थल नहीं बदल सकता? तो इसका आंसर है हाइड्रा। हाइड्रा अपना स्थान नहीं बदल सकता। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अमोबा का लोकोमोटरी अंग क्या होता है? तो अमोबा का लोकोमोटरी अंग होता है स्यूडोपिया। स्यूडोपिया अमोबा का लोकोमोटरी अंग होता है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऊतक नाखून खुर और बाल किस प्रकार के ऊतक से बने होते हैं? तो इसका आंसर है केराटिन। ऊतक नाखून खुर और बाल केराटिन ऊतक से बने होते हैं। नेक्स्ट है, हेपरिन का उत्पादन शरीर के किस हिस्से में किया जाता है? तो इसका आंसर है जिगर, लिवर। हेपरिन का उत्पादन जिगर में या लिवर में होता है। नेक्स्ट है, रूट नूडल सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है रूट नूडल पाए जाते हैं पौराणिक पौधों में। पौराणिक पौधों में रूट नूडल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पीलिया के लक्षण मुख्य रूप से डैश में विकार और खराबी का कारण होता है। तो इसका आंसर है लीवर या जिगर। पीलिया के लक्षण मुख्यतः लीवर में खराबी के कारण पीलिया आइडेंटिफाई होता है या जॉन्डिस जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, खून के जमावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका आंसर है विटामिन के। ठीक है, इसका आंसर है सी, विटामिन के खून के जमावट के लिए आवश्यक विटामिन है। तो ये आज के बायोलॉजी के क्वेश्चंस का डिस्कशन है। इसी क्रम में अभी हम फिजिक्स के क्वेश्चन का डिस्कशन डाल रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।